अलैकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। मैम क्लास ही ऑन कैंपस में हो रही है।
हो रही है, अगर आपने आना है तो आ जाए। मैम कौन सा रूम है? 403 या 4 है, आप उनसे पूछ लें जो बाहर बैठे हैं। 403 ठीक है मैम, ऐसे जस्ट 403 में जी, 403 या 404 में चेक कर लेंगे। आ थोड़ी सी स्लाइड्स, आप पहले पिछली दफा भी थे ना, आप दोनों थे उस दिन, आपने डेट नहीं मुझे डाल के दी, मैं वो बल्कि अच्छा मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, कौन से पिछले लेक्चर में थे या उससे पिछले में थे आप? वेडनेसडे सैटरडे वाले दिन थे शायद आप, आपने मैसेज किया था। मैं असल में सारी उस पर अटेंडेंस लगा रही हूँ शीट्स पर, उसके बाद उसको पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी। आप जो स्टूडेंट ऑनलाइन है वो भी कोशिश करा करें कि ये दोबारा से मुझे आप फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? आज आप दोनों इनका नाम भी लिखकर फॉरवर्ड करते हैं। ये किस दिन आपने मुझे किया था? 26 जून को, ठीक है। अच्छा कोशिश क्या करें कि आप लोग ना रेगुलर रहें जितने दिन लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है? और आपका जो पेपर बना है वो उसमें MCQs होंगे, मेरे ख्याल में 30 MCQs या 35 मैक्सिमम होंगे, 30 तक होंगे।
एमसीक्यूज का कोई मूड नहीं किसी का? हाँ सर, जो कि आप अगर एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको एसईक्यूज खुद ही आ जाए, कोई जनरल सा ऐसा। चले अच्छा, और एमसीक्यूज जो होंगे वो इस तरह भी हो सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स दी भी हो और उनमें से ऑप्शन दी भी हो कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट्स उसमें से एक ट्रू हो सकती है एक फॉल्स हो सकती है, ये दोनों ट्रू हो सकती है, कोई भी इस तरह की हो सकती है। तो जो स्लाइड्स, हाँ एमसीक्यूज होगा, तो स्लाइड्स कोशिश करें अच्छे से पढ़ें फिर, ठीक है। अच्छा आज इन एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू किया हुआ था, बस थोड़ी सी ये स्लाइड्स हैं, 25-26 स्लाइड्स, ठीक है। इसमें जो अगर पहले याद हो मैं पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स इन कम्बिनेशन में देते हैं ताकि रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस शो करता है तो कम रेजिस्टेंस शो करे। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है वो उसकी थोड़ा सा इन जनरल पढ़ा था हमने, एक दो स्लाइड्स रह गई थी उसमें, ये इन स्लाइड्स में बताया हुआ कि सर्जिकली प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो सर्जरी के बाद जो है वो कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, ठीक है। उसमें बॉल सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गायनेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट पोस्ट ऑप इन्फेक्शंस, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होंगे या इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स भी जिनको कहते हैं, जो वेरी ओल्ड एज होगी या वेरी यंग एज, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता या डायबिटिक है, तो उन पेशेंट्स को जो है ज़्यादातर इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स जो उनको प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी से पहले प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है, कोई भी एंटीबायोटिक दे दी जाती है। उसके अलावा अगर डेंटल एक्सट्रैक्शन हो तो उसमें भी एक प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट सुबह नाश्ता करके आया, उसको मॉर्निंग टाइम दिया जाए, हर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा बिफोर सर्जरी उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह कॉमन सर्जरी का प्रोटोकॉल होता है 10, यानी कि जो भी जिसकी सर्जरी करी जाए उसकी एज एटलीस्ट 10 वीक्स हो, उसका वेट 10 पाउंड्स हो, उसका जो है वो हीमोग्लोबिन 10 हो, ठीक है। तो ये सर्जरी का एक प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह पेशेंट्स विद टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज हैं, कोई का उनको हार्ट का कोई मसला है, वो सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स के, अगर वायरल इन्फेक्शन है, रॉन्ग डायग्नोज किया है और एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, अगर प्रॉपर डोज नहीं है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। अननोन कॉज की वजह से कोई फीवर है जिसका कॉज ही नहीं पता तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स दे दिए तो वो भी उसका भी इफेक्टिव नहीं होंगी। प्रेजेंस ऑफ पस और निक्रोटिक टिश्यू और ब्लड एट द सर्जिकल साइट, फॉर एग्जाम्पल जब टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं कोई, या टूथ से रिलेटेड कोई सर्जरी हो या किसी से भी रिलेटेड अगर पस है तो उस वक्त जो है उसको पेशेंट को इतना ज्यादा पस और निक्रोटिक टिश्यू है या सर्जिकल, तो उस वक्त एंटीबायोटिक्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, जब बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज किए जा रहे हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। लैक ऑफ एडिक्वेट बैक्टीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बैक्टीरिया का पता ही नहीं, हर बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है, अगर एक एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं और वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो फायदा कोई नहीं है वो एंटीबायोटिक देने का। पिछली दफा जो है पढ़ा था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम दो सब यूनिट्स होते हैं उसके, 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स, तो उन सब पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ड्रग्स एक्ट कर रही हैं, कहीं पर DNA के ऊपर उसके इफेक्ट कर रही हैं जो बैक्टीरिया है, कहीं उसकी सेल वॉल के ऊपर कुछ ड्रग्स इफेक्ट करेंगी जैसे पेंसिलिन वगैरह, कुछ ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेंगी, कुछ ड्रग्स जो है वो उनके RNA पर इफेक्ट करती हैं जैसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स हैं, इस तरह मुख्तलिफ ड्रग्स मुख्तलिफ जगहों पर बैक्टीरिया के इफेक्ट कर रही हैं। फॉलेट एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, अगर आपको याद हो पहले हमने एक एंटी मलेरियल ड्रग्स पढ़ी थी, उनके अंदर ये वाला डायग्राम थी थोड़ी मुख्तलिफ करके, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो फैबा एंजाइम यूज करके अपना फॉलिक एसिड बनाता है,
जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद फॉलिक एसिड नहीं बनाते, वो मुख्तलिफ किस्म के डाइट से अपना फॉलिक एसिड लेते हैं। तो इसमें यह था कि जब सल्फोनामाइड्स देते हैं ड्रग, तो अब बैक्टीरिया को उसने फॉलिक एसिड बनाने से इनहिबिट करना है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने देनी बैक्टीरिया की। इसी तरह इसके दो स्टेप्स में अफेक्ट करेंगी सल्फोनामाइड और दूसरा ड्राई मेथोप्राइम, ये दोनों अफेक्ट करेंगी और ये दोनों मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इनका। ये दोनों ड्रग्स अगर आपको याद हो तो पिछली दफा एक हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक बैक्टीरियोसाइडल थी और एक बैक्टीरियोस्टैटिक थी। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी स्टेसिस करते हैं, स्टेसिस होता है रोक देना, तो उसकी ग्रोथ को रोक दिया था, और बैक्टीरियोसाइडल थी जब बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो दो तरह की ड्रग्स होती हैं। ये दोनों ड्रग्स सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्राइन जो है ये बैक्टीरियो स्टैटिक है, ग्रोथ को उसके रोक देती है अगर ये इंडिविजुअली अलग अलग यूज की जाए। लेकिन अगर इनको कंबाइन दोनों को यूटीआई इन्फेक्शन जैसे होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर इनको दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे तो ये बैक्टीरियोसाइडल बन जाएंगी, उसको किल भी कर देंगी बैक्टीरिया को। फॉलिक एसिड ये इसमें ये क्या है, फॉलेट एंटागोनिस्ट, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर रही है बैक्टीरिया को बनाने नहीं दे रही ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी ना हो। फॉलेट एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, इसकी एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। फॉलिक एसिड को एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिन्स एंड पायरिमाइडीन सिंथेसिस एंड अदर कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। इन इट्स एब्सेंस सेल कैन नॉट ग्रो और डिवाइड। सल्फा ड्रग्स, इनको सल्फोनामाइड एक इनको सल्फा ड्रग्स भी कहेंगे, आर इनहिबिटर्स ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस। सल्फोनामाइड्स एंड एनालॉग ऑफ पैबा वर्क्स बाय कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ये इसके साथ कम्पीट करेगा पैबा के साथ और इसकी जगह आकर सबस्ट्रेट के तौर पर लग जाएगा। ट्राइमेथोप्राइन सल्फा मेथोक्सोल यानी कम्बिनेशन जब यूज करेंगे, इसका कम्बिनेशन है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट सिनर्जिस्टिक कम्बिनेशन यूजफुल अगेंस्ट यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यूटीआई के अंदर ये यूज होती है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, नोजिया वॉमिटिंग हेडेक मेंटल डिप्रेशन हेपेटाइटिस बोन मैरो डिप्रेशन। वो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स में हमने पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, ये वो इंजाइम है जो आरबीसीज को उनकी शक्कर को मेंटेन रखता है, आरबीसीज को डिस्ट्रक्शन से बचाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। तो अगर इसकी किसी पर्सन में डिफिशियंसी है तो उनको ये ड्रग्स नहीं देंगे क्योंकि ये हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकती है, उनकी ब्रेक डाउन आरबीसीज की कर सकती है। हाइपर सेंसिटिव है, रैशेज फीवर है तो नहीं देंगे। कनेक्टेरस ब्लू रिबन इंड्यूस्ड ब्रेन डिसफंक्शन इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स के अंदर ब्लू रिबन जो है वो उनके ब्रेन में अगर एकोमुलेट हो रहा है वहां तो कनेक्टेरस कहेंगे उसको। तो ये उसके सारे एडवर्स इफेक्ट हैं, इनकी वजह से हो सकता है। अब ये ड्रग्स वो थी जो कि इस मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रही है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने दे रही, फॉलेट एंटागोनिस्ट है। ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बन रहा है, ये नहीं बन रहा दे रही, इसके स्टेप्स पर अफेक्ट कर रही है। अब कुछ ड्रग्स हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की होगी उसके ऊपर अफेक्ट करेंगी, उनमें दो ड्रग्स बताई हुई है पॉलीमैक्सिंस एंड कोलिस्टिंस, ये डिस्ट्रॉय करेंगी मेम्ब्रेन्स को, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैसिलस, सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, यूज मोस्टली फॉर स्किन एंड आई इन्फेक्शन। आपने बस ये याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं। इनमें दो एग्जांपल्स है पॉलीमैक्सिन और दूसरी कोलिस्टिंस। ये वो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की जो कि जिसको ये अफेक्ट कर रही है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स को अफेक्ट करेगी, राइबोसोम सब यूनिट 30 को अफेक्ट करेगी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। मैं आपको कहा था कि एक याद रखने के लिए एक लाइन होती है बाय एट 30 सेल CELL सेल लिखा होता है, वो मैं इसमें डाल दूंगी एट द एंड में जब लेक्चर के सारे याद रखने के लिए जिनके मेमोराइज करने के लिए छोटे छोटे होती हैं। ये बाय एट 30 सेल एट 50, ये बाय एट 80 एट होता है, उसमें दो ड्रग्स याद रखनी है कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर अफेक्ट करेंगी, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और दूसरा टेट्रासाइक्लिन्स। आज ये दो ड्रग्स थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे बस।
अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एरोबिक ग्रोथ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के ऊपर इफेक्टिव है. ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एरोबिक, एरोबिक जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं बैक्टीरिया, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स सिर्फ उन बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव होगी जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, जिनकी ग्रोथ उनमें हो रही है ऑक्सीजन डिपेंडेंट. Serious toxicities, they have been replaced to some extent by safer antibiotics, fluoroquinolones. ये fluoroquinolones और जो carbapenem neems है ये आगे पढ़ेंगे. Fluoroquinolones इसके अंदर next group है, वो अगली दफा पढ़ेंगे. Aminoglycoside that are derivative from streptomycins. अच्छा, aminoglycosides जो है streptomycins से drive किए गए हैं bacteria से. इनके आखिर में ये मैंने लिखा हुआ है कि सर्फिक्स माइसिन यूज हो रहा है. ये इसके देखें, टोब्रामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, पेक्टिनोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, कैनामाइसिन, न्यूमाइसिन. इसमें जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, एमिकासिन टू सम एक्सटेंट ये इंपॉर्टेंट है. ये सारी ड्रग्स तो नहीं लिखी हुई, सिर्फ आपको ग्रुप्स के नाम पता होने चाहिए जिनके आखिर में सीन आ जाए, एक्सेप्ट एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन ड्रग जो है वो दूसरे ग्रुप से, वो इस ग्रुप से नहीं है. बाकी जिनमें भी सीन सीन आएगा सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं. ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है ये जो है ट्यूबरक्लोसिस में पहले जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी. यही एक ड्रग थी जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज होती थी. अब बहुत सारी दूसरी ड्रग्स आ गई हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन जब ये जब कायदे आजम को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था तो उस वक्त जो ड्रग थी ये स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती थी. तो अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इम्पोर्ट की जाती थी उस वक्त, तो ये ड्रग जब बाहर से आती थी तो वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता था कि टीबी किसको हुआ है. जैसे अभी ये कोरोना का शुरू में जब इन्फेक्शन हुआ था तो एक वो था कि भाई इन इन घरों में हो गया है तो हाई अलर्ट हो गए उनको. स्ट्रेप्टोमाइसिन वही जब ये आती थी तो पता चल जाता था कि पेशेंट कौन है. तो ये जो है कायदे आजम ने फिर वो रिक्वेस्ट की थी जो हिंदू डॉक्टर था कि मेरा पता ना चले, और वो इतना लॉयल था अपने प्रोफेशन से कि उस डॉक्टर ने पता नहीं लगने दिया था कि ड्रग वो स्ट्रेप्टोमाइसिन थी जो उस वक्त इम्पोर्ट करते हुए कायदे आजम को दी थी. मैकेनिज्म ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यही है कि वो ये राइबोसोम का यूनिट बताया हुआ 30S, इसके ऊपर यहाँ पर 50S होते हैं वाके एक पिक्चर में है. तो 30S याद रखना है, इसके ऊपर इफेक्ट करता है. द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड डिस्ट्रॉय इट्स स्ट्रक्चर, दस इंटरफेरिंग विद द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. दे आल्सो लो मिस रीडिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो मिस रीड करेगा, causing mutations or premature chain termination. यानी बैक्टीरिया की पहले टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी चेन टर्मिनेशन हो जाएगी जब उसके अंदर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 steps होते हैं बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस जब करता है. उसमें फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप होता है, ये वहां पर आकर अफेक्ट करेगा. फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए एरोबिक और बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मोडियम एरोजिनोसा स्पेशली, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हो तो ये वो बर्न पेशेंट्स के अंदर ग्रो कर जाता है या सर्जिकल वूंड्स जिसमें उसमें ग्रो कर जाता है. इसका मेरे ख्याल में वो भी था कि कलर पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर इस बैक्टीरिया में. ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव रॉड्स, प्लेग, टेलुरीमिया, ये सारी जो है ये गोनोरिया सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, इन सब में ये यूज हो रही है. स्किन के ऊपर यूज होती है एक्सटर्नली. टॉक्सिक एट सम लेवल्स टू 8th cranial नर्व. ये इसका वजह से ये यूज नहीं करते कि कितनी नर्व्स होती है हमारे अंदर हेड एंड नेक में. 12th cranial नर्व्स होती है. नर्व तो बाकी भी होती है लेकिन क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में होती है. तो पेयर में होती है तो 8th cranial नर्व कौन सी होती है? इसका एक याद करने का एक था जो है ट्राइजेमिनल सातवीं. नहीं, ट्राइजेमिनल पांचवी होती है, फेशियल होती है सातवीं. पहली होती है इसकी पहली कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व दूसरी होती है, ऑकुलो मोटर तीसरी होती है, ऑल्फैक्टरी होती है मैम फर्स्ट.
ट्रिश आवाज इसका ना एक आप खुद देखें एक इसका मेमोराइज करने का ओ ओ ओ करके है ठीक है वो आप याद रखें पहली ऑल्फैक्ट्री होती है दूसरी ऑप्टिक होती है तीसरी ऑक्लोमोटर होती है चौथी ट्रॉक्लियर होती है पांचवी ट्राइजेमिनल होती है छठी कौन सी होती है एब्ड्यूशन सातवीं फेशियल होती है आठवीं जो है ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर है जो कि ये नौवीं कौन सी होती है ग्लोसोफेरिंजियल शाबाश दसवीं कौन सी होती है वेगस वेगस ये तो देख तो नहीं रहे कहीं से मैं वो निमोनिक था वो यही याद लिखा हुआ मैंने शाबाश इलेवेंथ कौन सी होती है एक्सेसरी ट्वेल्थ हाइपोग्लॉसस जो जुबान की जाती है एक्सेसरी ये शोल्डर्स के मसल्स को होती है ठीक है तो ये एट्थ क्रेनियल नर्व जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व होती है उसको अफेक्ट कर देती है इसलिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो आपके अंदर ओटोटॉक्सिसिटी या परमानेंट डेफनेस कर सकता है ठीक है उसको अफेक्ट करता है ये ये जो एक बुक होती है यूसी मिली उसमें बहुत ज्यादा याद छोटे छोटे दिए हुए होते हैं मैं उसमें से इसमें डाल दूंगी अगर मुझे इंटरनेट पर मिल गए यूएस मेली की बुक है जिसके अंदर वो एग्जाम के लिए एफ सी पी एस की उसके अंदर ना छोटे छोटे इनके याद रखने के लिए मेमोराइज करने के लिए इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं तो अगर ना मिले तो मैं उनकी पिक्चर आपको भेज दूंगी या वो पिक्चर जो है व्हाट्सएप कर देंगे या पिक्चर जो है वो इसके अंदर लगा दूंगी वैसे भी इंटरनेट से बहुत सारी मिल जाती हैं रेजिस्टेंस ऑफ अमाइनो स्पेलिंग जरा गलत है आई नहीं है इसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मोनो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस कैन बी कॉज्ड बाय डिक्रीज अपटेक ऑफ द ड्रग व्हेन द ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और प्रायोन चैनल्स आर एब्सेंट अगर ये उसके अंदर एब्सेंट हो गए बैक्टीरिया में तो वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा प्लाज्माइड एसोसिएटेड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स प्लाज्माइड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है वहां पर एंजाइम्स होते हैं एसिटाइल ट्रांसफरेसिस न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेसिस फॉस्फोर ट्रांसफरेसिस दैट मॉडिफाई एंड इनएक्टिवेट अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स वो अपने एंजाइम्स ऐसे बना लेता है जो कि एंटीबायोटिक्स को जो है वो अपटेक नहीं होने देते बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया को उसकी किलिंग नहीं होने देते ईच ऑफ दीज एंजाइम्स हैज इट्स ओन अमाइनो ग्लाइकोसाइड स्पेसिफिसिटी द हाईली पोलर पॉलीकेटोनिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स प्रिवेंट्स एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पार एंट्रली टू अचीव एडिक्वेट सीरम लेवल्स The seventh, the severe nephrotoxicity associated with neomycin. ये जो member है इसका neomycin drug. इससे क्या होगा nephrotoxicity. देख ले N for neomycin, N for nephrotoxicity. Amino glycosides is concentration and time dependent. The exceptions are pregnancy, neonatal infections and bacterial endocarditis. ये इनमें नहीं देनी प्रेगनेंसी वगैरह में या न्यूनेटल इन्फेक्शन को होंगे क्योंकि ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व को अफेक्ट कर रहा है अच्छा इसका भी एक याद रखने का है नॉट अब मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा क्या था लेकिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी था ओटोटॉक्सिसिटी था और टी से मेरे ख्याल में टेट्रोजेनिक था कि ये फिटस के ऊपर अफेक्ट होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं लेवल अचीव्ड इन मोस्ट टिश्यूज आर लो and put penetration into most body fluids is variable. Concentration in CSF, cerebrospinal fluid are inadequate even when the meninges are inflamed. High concentration accumulate in the renal cortex and in the endolymph and perilymph of the inner ear. Outer ear, middle ear, inner ear होते हैं. Inner ear में जो endolymph और perilymphs होते हैं, वहाँ पर ये इसकी accumulation हो जाती है. Which may account for their nephrotoxic and ototoxic potential. All aminoglycosides cross the placental barrier and may accumulate in fetal plasma and amniotic fluid. Fetus ke amniotic fluid aur uske plasma mein bhi ye accumulate ho jayegi.
अच्छा ये क्योंकि इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इसके लिए जो रेफरेंस बुक है थोड़ी सी उसको देखें, या अब एट द एंड, अब क्योंकि तकरीबन खत्म होने वाले लेक्चर्स, तो ये वाली जो है ना कि इनका एक अलग से टेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि इनके लिए अगर आप कहते हैं इनको ही हम प्रेजेंटेशंस में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे जितने लेक्चर्स दिए थे मेरे ख्याल में 3-4 अब रह गए उसके बाद, तो बिफोर ईद इंशाल्लाह आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन दे, मैं चाह रही हूँ कि सब लोग सुने, और ट्यूटोरियल टाइप प्रेजेंटेशन होगी कि अगर एक ग्रुप दे रहा है तो बाकी सब सुनेंगे और वो पढ़ के आएंगे वही टॉपिक, ठीक है। उनको पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक का होगा ताकि सब लोग तैयारी साथ साथ हो इसकी, ये क्योंकि आपके पिछले टेस्ट हो चुके होंगे, मिड हो चुका होगा, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स जो है। Metabolism of the myoglycoside does not occur in the host. All are rapidly excreted into the urine, predominantly by glomerular filtration. Accumulation occur in patients with renal failure. जाहिर है जिनके अंदर renal failure है वहां पर ये accumulate हो जाएंगे, इनकी metabolism से इतना excrete out नहीं हो सकेंगे, इसलिए dose required होती है proper ठीक करके देनी होती है। Ototoxicity, deafness is irreversible. अगर deafness कर दिए तो वो irreversible है। Nephrotoxicity, skin rashes करेंगे and paralysis कर देंगे। Decrease in release of acetylcholine, आपको पता है ना कि वो न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स होते हैं इस तरह शेप के, जिनको जो खुलते हैं उनके ऊपर प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से जो ट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलीन न्यूरोट्रांसमीटर, वो रिलीज होता है, वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है या फिर वो मसल के अंदर आता है, तो वहां पे ये क्या करता है कि उसको डिक्रीज इन रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलीन फ्रॉम द प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग्स, जो जहां से वो रिलीज हो रहा होता है प्री साइनेप्टिक से, वहां पर ये जो है उसका रिलीज डिक्रीज करवा देता है। ये सेंसिटिविटी टू पोस्ट साइनेप्टिक साइट्स, ठीक है, इसमें एक वो जो था मायस्थीनिया ग्रेवियस, वो आपने शायद पढ़ी भी हो, हाँ, तो वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन या न्यूरॉन से मसल्स, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स की। टेट्रासाइक्लिन, अब ये नहीं डर गया, वो माइनोग्लाइकोसाइड थी। कोई क्वेश्चन किसी का हो, किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन जो ये दूसरा ग्रुप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट को अफेक्ट कर रहा था बाय एट 30, यानी दोनों 30 को कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन भी और अमाइनोग्लाइकोसाइड। सेल एट 50 जो है ना, CELL सेल लिखा हुआ है, उसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोरम्पेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइट की एग्जांपल है वो शामिल होंगे इसमें, लिंजोलाइट वगैरह वो आगे हैं, ये दोनों 30S राइबोसोमल सब यूनिट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये याद रखना है क्योंकि इस तरह के मैकेनिजम्स इनके जो है वो पूछ सकते हैं। Tetracycline consists of four fused rings with a system of conjugate double bonds. Substitutions on these rings are responsible for variations in the drugs. अब इसके नई जो है tetracycline की आगे generations हैं, उनमें दो दी हुई थी आपके इसमें lectures में, वो अगली दफा पढ़ेंगे, इसे फिर जनरली सा थोड़ा सा एक्चुअली आज मैंने अब लेक्चर छोटे कर दिए हैं, उसकी वजह कि अब जो आप लोग अपना पढ़ रहे होते हो तो फिर थोड़ा सा बस सुन लिया करें, उनका कोशिश किया करें, आपका बैच वैसे जो है ना वो रहता है अटेंडेंस ज्यादा होती है, जो दूसरा मॉर्निंग बैच होता है उनकी कम हो जाती है, तो कोशिश किया करें कि ऑनलाइन भी थोड़ा सा आकर थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ थोड़ी सी देर सुन के चला जाया करें, फिर जब आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे और जब टेस्ट होंगे तो फिर उसमें ज्यादा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक्स जी, कितने कब तक है आप लोग के मीट? और छोटे छोटे लेक्चर्स रखेंगे जैसे एक एक ड्रग, अब तो ये लेक्चर ये जो लेक्चर है ना ये बहुत बड़ा लेक्चर था, ठीक है, और सर ने इसको दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर रखा था, लेकिन मैंने दो दे दिए, अब दो तीन दो में और खत्म कर देंगे, लेकिन वो छोटे छोटे क्योंकि 20-20 स्लाइड इस तरह करके 20 से भी कम, ताकि आप लोगों का चलो पेपर होते हैं तो थोड़ा सा सुन ले ताकि वो फिर बर्डन ना आए, कोर्स ज्यादा रहना चाहिए होता है। आप लोग के जो फाइनल होंगे वो भी आगे, ये समझ आ रही कोर्स कैसे जा रहा है, अभी कंप्लीट हो गया आगे तो मुझे देना है। हाँ, फाइनल के लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फाइनल हमारे इन टाइम ही होंगे, फाइनल इन टाइम होंगे, मैंने कहा इन टाइम कैसे हो जाएंगे, जब मिड्स और बोर्ड है तो फाइनल कब होंगे?
हां वो सितंबर में ही जाकर मिड ऑफ सितंबर नॉन टीचर ने अपना कोर्स कंप्लीट करवा दिया। अब मिड वे में कोर्स पहले कंप्लीट होगा। आपको टाइम मिल गया पढ़ने के लिए ज्यादा। हमारे मिड तो बराबर हो गया। आज के दिन दो लेक्चर थे मिड तैयारी करने में हम लोग। हाँ वो जब बंदे को मेंटली वो हो जाता है कि वो जाए। हाँ बस ये खत्म होने वाला है। इंडिविजुअल फार्माकोकाइनेटिक्स व्हिच कॉज स्मॉल डिफरेंसेस इन देयर क्लिनिकल एफिकेसी। ये देखिए ये रिंग है और ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये कहाँ पर इफेक्टिव है 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। अच्छा बाइंड्स टू 30S सब यूनिट के ऊपर एंड इंटरफेयर्स विद द अटैचमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स आर एन ए कैरिंग अमाइनो एसिड्स इन टू द राइबोसोम्स। इनको राइबोसोम्स वो जो अमाइनो एसिड्स ट्रांसवर्स आर एन ए राइबोसोम्स के अंदर लेकर आ रहा था उसको इफेक्ट करती है। ये सारे वो इन्फेक्शन है क्लेमीडिया रिकेशिया माइकोप्लाज्मा। अगर पता हो आपको माइकोप्लाज्मा का क्या एक यूनिफॉर्म फीचर है इसका यूनिक फीचर है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। आप लोग की माइक्रो इस साल थी या पिछले साल अभी आप पढ़ रहे हो माइक्रो या पिछले साल थी मतलब कब थी पिछले सेमेस्टर में थी है अच्छा। माइकोप्लाज्मा जो है इसमें सेल वॉल नहीं होती ये सारे इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है। आपको इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि जी बैक्टीरिया की सेल वॉल पर कौन सा इफेक्टिव है या बैक्टीरिया की 30S राइबोसोम पर ऑप्शन दी हुई है कौन सी इफेक्टिव है ड्रग 50S पर कौन सी ये आपने ज्यादा याद रखना है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया करता है ये इसमें सेल वॉल नहीं होती बैक्टीरिया वाहिद बैक्टीरिया जिसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी है टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरियोस्टैटिक है आपको पता होना चाहिए ये सीडल है ये स्टैटिक है तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स है। टेट्रासाइक्लिन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड अदर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ड्रग रेजिस्टेंस इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एक्युमुलेट द ड्रग thus producing resistance. This is accomplished by magnesium dependent active efflux of the drug mediated by the plasma encoded resistant protein TATA. यानी इसके ऊपर जो है ना टेट्रासाइक्लिन के स्पेशल पंप्स होते हैं इफ्लक्स पंप्स उनके ऊपर टेट ए जीन होती है। अब बैक्टीरिया जो होता है उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना उसको ये बाहर फेंक देता है इफ्लक्स पंप लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जीन्स के ऊपर जो है वो ऐसी कोटिंग कोई और आ जाती है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जिनकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर लेगा और वो फिर ड्रग इफेक्टिव नहीं रहेगी वो अंदर ही रह जाते हैं सेल के वो बाहर नहीं जा सकते पंप खराब हो जाते हैं उसके इफ्लक्स पंप ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग साइट्स। अब जैसे ये 30S राइबोसोम सब यूनिट के साथ जाकर बाइंड करती तो बैक्टीरिया क्या करेगा उस 30S को चेंज कर देगा ताकि उसके साथ जाकर टेट्रासाइक्लिन बाइंड ना कर सके। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग एंड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। अब बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन्स बना लेगा ताकि टेट्रासाइक्लिन के साथ कोई और राइबोसोम के साथ अपने उसके सब यूनिट के साथ जाकर बाइंड ना करे। एनी ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस टू वन टेट्रासाइक्लिन। अगर कोई एक मेंबर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है बैक्टीरिया हमने बैक्टीरिया था वो रेजिस्टेंट हो चुका है टेट्रासाइक्लिन के अब पूरा ग्रुप जो है टेट्रासाइक्लिन का उसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं तो उन सब के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो करेगा। एक मेंबर के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस शो कर दे तो सबके अगेंस्ट शो करेगा। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ग्रुप का नाम है फिर आगे उसके फर्दर बहुत सारे मेंबर्स हैं। अच्छा अब टेट्रासाइक्लिन अगर आपको याद हो तो आपने एक और जगह पढ़ा था जीआईटी की ड्रग्स में स्क्रीशन जब आपने पढ़ा था कि एचसीएल की स्क्रीशन स्टमक के अंदर ज्यादा हो जाती है तो हम एंट एसिड्स यूज करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है वो सारे अगर टेट्रासाइक्लिन और वो दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाए एंट एसिड्स। एंट एसिड्स का क्या फंक्शन था न्यूट्रलाइज कर रहे थे ठीक है तो एंट एसिड्स जो है उनके साथ अगर देंगे तो ये क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी टेट्रासाइक्लिन की उसका अफेक्ट करेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल इंजेशन डाइट्री फूड्स इन द डाइट डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेट्स ऑफ द टेट्रासाइक्लिन विद कैल्शियम आयंस। डाइट्री प्रोडक्ट्स अगर ले लिए डाइट्री फूड वगैरह
उसके अंदर भी कैल्शियम होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को. नॉन एब्जॉर्बेबल चिलेट्स आर आल्सो फॉर्म्ड विद अदर डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट केटाइन्स, फॉर एग्जाम्पल दोज फॉर्म्ड इन मैग्नीशियम कैल्शियम. वही एंटासिड्स वाली बात कि उसके साथ इसको टेट्रासाइक्लिन जो है उसका जो इफेक्टिव नहीं रहती. अच्छा ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं दोनों. डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन इसके मेंबर का नाम है. एंड मिनोसाइक्लिन आर ऑलमोस्ट टोटली एब्जॉर्ब्ड ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये एब्जॉर्ब हो जाती है दोनों, ये एक्सेप्शन है. द टेट्रासाइक्लिन कॉन्सेंट्रेट इन द लिवर किडनी स्प्लीन एंड स्किन एंड बाइंड टू द टिश्यूज अंडरगोइंग कैल्सिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल ये टीथ पर और बोन्स पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाए तो क्या होता है कि ये जो टीथ होते हैं बच्चे या छोटे जो बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 8 उनको दे दी जाए तो ये टीथ को उनके इफेक्ट डिसकलर कर देते हैं. टीथ डिसकलरेशन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है. उसके अलावा ये फोटो टॉक्सिक कर देते हैं, फोटो सेंसिटिविटी कर देते हैं. अच्छा बोन्स को अफेक्ट करेंगी, टीथ को अफेक्ट करेंगी एंड ट्यूमर्स दैट हैव अ हाई कैल्शियम कॉन्टेंट. ऐसे ट्यूमर्स जिनके अंदर जो कैल्शियम कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हो जाते हैं उनको अफेक्ट करेगी. पेनिट्रेशन इनटू मोस्ट बॉडी फ्लूइड्स इज एडिक्वेट यूजफुल इन इरेडिकेटिंग द मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेन. मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन जो होगा उसको जो है वो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन जो है उसको खत्म करने के लिए इरेडिकेट करने के लिए इफेक्टिव है उसके अगेंस्ट. All the tetracyclines concentrate in liver where they are in part metabolized and conjugate to form soluble glucuronides. ठीक है, liver के अंदर इसका metabolism होगा. The parent drug or its metabolites are secreted into the bile. Glomerular filtration के through भी होगा. Unlike other tetracycline, doxycycline जो drug है इसमें can be employed for treating infections in renally compromised patients. ठीक है, वैसे तो ये रेनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में नहीं देते लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन जो इसकी एक एग्जांपल इस मेंबर को दे सकते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करेगा, इफेक्ट ऑन कैल्सिफाइड टिश्यूज फॉर एग्जांपल टीथ बोन, फेटल हेपेटोटॉक्सिसिटी, फोटो सेंसिटिविटी या फोटोटॉक्सिसिटी, फोटो सेंसिटिविटी जो कर देता है, वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स. मिनोसाइक्लिन accumulate in the endolymph. वही वाली बात जैसे mynoglycosides जो affect करती है इसी तरह ये भी functions को affect करती है. Pseudotumor cerebrae benign intracranial hypertension. Super infection overgrowth of candida. जो fungal agents होते हैं कुछ जैसे candida है वो mouth के अंदर भी normally present होता है और vagina में भी females के habitat है वहाँ पर रहते हैं. लेकिन ओवर ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन करवाते हैं. यानी एक इन्फेक्शन था उसमें दूसरा इन्फेक्शन हो गया उसको भी सुपर इन्फेक्शन कहते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रेनली इम्पेयर पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड विद टेट्रासाइक्लिन, एक्सेप्शन केयर डॉक्सीसाइक्लिन. जो पीछे स्लाइड में लिखा था कि डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक पेशेंट को दे सकते हैं. कोई क्वेश्चन अब तक? वो अलग ग्रुप है या अलग ग्रुप है? ठीक है, हाँ जो इस तरह का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि वो अलग एक चीज ग्रुप है. आपको सिंपल स्टेटमेंट्स आएंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल फोटोटॉक्सिसिटी कौन कर रहा है, या इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये कि छोटे बच्चों में टेट्रासाइक्लिन नहीं दी जाती तो क्यों नहीं दी जाती कि उनका डिसकलरेशन हो जाती है टीथ की. ठीक है, माइनोग्लाइकोसाइड्स के आपने याद रखना है कि वो सबसे बड़ा कॉज वो है ऑटोटॉक्सिसिटी का. ठीक है, वो मेजर उसके नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी या पेरिफ्रल वो जो पैरालिसिस कर रहा था, बाकी स्किन रैश कर रहा था. आपको हर ड्रग का मैकेनिज्म, उसके साइड इफेक्ट्स और उसकी इफेक्टिव कि वो कहाँ पर क्लिनिकली इफेक्टिव है बस. ठीक है, मैकेनिज्म थोड़ा सा आपने देखना है. बाकी ये जो होते हैं ना फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स के अब्सॉर्ब हो रहा है लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म, और इसमें अगर कोई स्पेसिफिक बात है तो, वरना बहुत सारी ड्रग्स लीवर के थ्रू ही हो रही है, बहुत सारी यूरिन के थ्रू जा रही है, एक्सक्रीट आउट हो रही है, बिलरी
ट्रैक के थ्रू मोबाइल के थ्रू हो रही हैं, तो वो इतनी यूनिक कोई बात नहीं है. ये वैसे फार्म इसमें जो सबसे ज्यादा याद रखने वाली है बैक्टीरियो स्टैटिक कौन सी है, उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उनके यूजेस क्या है, क्लिनिकली कहाँ यूज हो रही है, बस मैकेनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी याद रखना है तो वो राइबोसोम भी 30S राइबोसोमल सबयूनिट पर ये भी, और इसकी रेजिस्टेंस कैसे हो रही है टेट्रासाइक्लिन्स की, कि या तो वो इफ्लक्स पंप्स जो थे उनको खराब कर देता है बैक्टीरिया जो होता है, ताकि ये जो बैक्टीरिया के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस हो रही है वो बाहर निकल ना सके, या फिर वो ऐसी प्रोटीन्स बना देता है कि राइबोसोम्स के साथ उसको बाइंड नहीं होने दे रही टेट्रासाइक्लिन को, तो ये आपको रेजिस्टेंस का थोड़ा सा पता होना चाहिए. हाँ टेट्रासाइक्लिन में दोनों है, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी. उसमें एक खास बात आपने जो याद रखी है कि एरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए, वो अगर आपको सारे एनएरोबिक, ऐसा वैसे फार्मा में नहीं आएगा कि आपको सारे बैक्टीरिया के नाम दे दिए जाए, वो माइक्रो में आता है. लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको पता चलेगी कि ये एरोबिक है, तो वो एरोबिक ए फॉर एरोबिक, ए फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड, उसको एनएरोबिक नहीं आपने याद रखना, ए फॉर एरोबिक. अमाइनो ग्लाइकोसाइड सिर्फ एरोबिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया पर इफेक्टिव है. कोई क्वेश्चन किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का? और आप लोग के जो एमसीक्यूज हैं उनको बहुत अच्छी तरह से स्टेटमेंट्स को पढ़ के फिर उसको करना, और एमसीक्यूज आपके आसान ही होंगे. उसमें जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, उसमें मैंने इतनी खास कोई नहीं दी हुई आपको, थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से बातें उसमें जो बताई थी, आखिरी वाली स्लाइड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. दो तीन बातें आपको मैंने उसमें बताई थी उसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, कि भाई वो हाइब्रिड टेक्निक के थ्रू वो प्रोड्यूस होता है, उसके जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है. वो तो बहुत ज्यादा स्लाइड्स थी, लेकिन वो ये कि मोनो जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है मोनो नाम, और वो एक ही कॉपी से बन रहा होता है, एक ही तरह की कॉपीज बनती है एंटीबॉडीज की. पॉलीक्लोनल जो होता है उसमें मुख्तलिफ कम्बिनेशन होता है, मोनोक्लोनल में एक ही तरह की कॉपीज बनती है. और दूसरा यह कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो पता होने चाहिए, और उसमें एक दो ड्रग्स के मैकेनिज्म थोड़े थोड़े देख लीजिएगा याद रखने के लिए. ठीक है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स थी, साइक्लोस्पोरिन थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी जो उनकी है याद रखने के लिए, कौन से अल्कलेटिंग एजेंट्स हैं. उसके अलावा डायबिटीज, उसके दोनों टाइप वन टाइप टू दोनों के अंदर डिफरेंसेस थोड़े से देख लें, उनके जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वो जरा इम्पोर्टेंट है. 5 to 10 तक, ठीक है. उसमें भी मैं थोड़े से एमसीक्यूज डाल दूंगी, तो मेरे ख्याल में 30 MCQs बन जाएंगे फिर आपके. ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? 40, मतलब 3 मिला के 43 हो जाएगा. आपका बैच छोटा है, दूसरा बैच ज्यादा है. आप लोग का 12 को है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस ठीक है, फिर आप जाएं बस. इस अगली दफा जो है मैक्रोलाइड्स 2-3 ड्रग्स पढ़ लेंगे इसी तरह ग्रुप में छोटे छोटे करके, ताकि फिर फाइनल तक आपको खत्म हो जाए. किसी का ऑनलाइन का तो नहीं है? नो मैम. थैंक यू जी. ओके.